गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साँचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेक्स्ट बुक में हमने सिक्स्थ लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे जो है वो उसमें छः पार्ट और छः कविताएं जो है वो कंप्लीट हो गई है, और तीन चार टॉपिक मैंने ग्रामर के आपको पहले करवा दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चार पाँच टॉपिक और जो महत्वपूर्ण जो है, जो प्रत्येक जगह जो है आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कुछ टॉपिक मैं जो है आपको ग्रामर में से फिर करवा दूँ। उसके बाद हम जो वापस जो है वो टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़े, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके 10 लेसन है टोटल, उसमें से 6 कर लिए हमने, तो कम ही रहे। तो कुछ ग्रामर वाला राइटिंग वाला जो भाग है उनको भी जो है थोड़ा टच करें, जिससे कि वो भी साथ में जो है वो हो सके। तो इसी क्रम में मैंने आज जो है वो ग्रामर का टॉपिक लिया है, जिसका नाम है द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सेंटेंस वाक्य को कहते हैं, और इसके भाग जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो चीज़ें उनके बारे में हम जानेंगे, और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, किसको सेंटेंस कहेंगे हम, और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, और कौन सा सेंटेंस जो है वो हमें क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो देता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा जो है हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। प्रत्येक का उदाहरण भी मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सेंटेंस। सबसे पहले मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा। सेंटेंस किसको कहा जाएगा? सेंटेंस मूल रूप से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, विच फॉलो अ ग्रामेटिकल रूल्स, उसका एक निश्चित पैटर्न होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई शब्द इधर रख दिया, कोई किधर रख दिया, वर्ब किधर रख दी, सब्जेक्ट किधर रख दिया, ऑब्जेक्ट किधर रख दिया, ग्रामर दिया, इबारत दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें ग्रामर के अनुसार, ग्रामर के नियमों के अनुसार जो है वो उसका पैटर्न निर्धारित होता है, एंड हैव सेटिस्फाइंग मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस, और वो हमें एक संतोषजनक अर्थ प्रदान करता है, एक सही अर्थ, एक संतोषजनक जो है वो अर्थ हमें प्रदान करता है उस सेंटेंस का, जिसमें हमने शब्दों को क्रम से रखा है, उसका एक निर्धारित अर्थ हो, अर्थ प्रदान करे, ऐसा शब्दों का समूह जो है वो कहलाएगा वाक्य। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जो व्याकरणीय नियमों का पालन करता है, व्याकरणीय नियमों का अनुकरण करता है, और एक संतोषजनक अर्थ प्रदान करता है, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। ठीक है, फिर काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के या वाक्य के प्रकार जो है वो कितने होते हैं मूल रूप से। तो मैंने बता रहा है पांच, इसमें से पहला बताया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आगे हम इसको जो है डिटेल से जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ये जो है वाक्यों के पांच। अब हम विस्तृत जो है उसका विवरण देखेंगे, जिसमें असर्टिव सेंटेंस जो है किसको कहेंगे। अ सेंटेंस विच गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन और इंसिडेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब इसका यह हुआ कि असर्टिव सेंटेंस या विधि सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं
घटना या किसी कार्य के बारे में सूचना देते हैं, यानी किसी घटना या किसी कार्य के बारे में सूचना देने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण दिया मैंने, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। वह क्या करता है? किताब पढ़ता है, तो उसकी सूचना दे रहा है ये वह की, ठीक है। और क्या सूचना दे रहा है? वो किताब पढ़ता है। दे प्ले, वे खेलते हैं, सूचना मिल रही है इससे। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है विधि सूचक सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेकंड, इसमें आगे देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। विधि सूचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में आई राइट द लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। सी कुक फूड, उसने भोजन पकाया। तो ये जो है वो सकारात्मकता का बोध कराते हैं। इसमें सकारात्मकता है, नकारात्मकता नहीं होती है, इसलिए ये सकारात्मक भाव प्रदान करते हैं और सकारात्मक असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव में नकारात्मकता का भाव आता है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। वी डिडंट ईट फूड, हमने भोजन नहीं पकाया। इन दोनों में जो है नकारात्मकता का भाव है, नकारात्मकता का बोध कराते हैं, इसलिए ये सेंटेंस जो है नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे दूसरे टाइप का सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसकी क्या पहचान होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उनको जानेंगे। उससे पहले आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको इनको लिखने में समझने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट कुछ वाक्य देखेंगे। सेकेंड नंबर का जो है हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अपरिचित हो प्रश्नवाचक वाक्य जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे अ सेंटेंस इन विच अ पर्सन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें प्रश्न होता है, जिससे प्रश्न पूछा गया होता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। There are two types of interrogative sentences. Interrogative sentences भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें beginning with helping verb, एक वो होता है जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। सहायक क्रिया मैंने आपको टेंस करवाने के दौरान बताया कि is, am, are, was, were, have, had, will, shall, do, does, did, ये सब भी helping verb है। तो इससे स्टार्ट होने वाले जो प्रश्न होते हैं, एक तो वो है क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब मैंने तो बताया इनसे स्टार्ट होते हैं। और ये भी प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर अपने यस या नो में दे सकते हैं। इनके लिए आपको कोई नाउन या प्रोनाउन वगैरह जो है वो अपने उत्तर में देने की जरूरत नहीं होती है, केवल जो है वो यस या नो में उत्तर दे सकते हो। और ऐसे प्रश्न जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिस टेंस का वाक्य होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो दूसरे प्रकार के प्रश्न वो होते हैं, जैसे जो कोई हेल्पिंग वर्ड सिस्टम है, ऐसे जो दूसरे प्रश्न वो होता है जो डब्ल्यू एच वर्ड, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, उनसे प्रारंभ होते हैं या हाउ से प्रारंभ होते हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको जो है पूरा नाउन या प्रोनाउन जो है वो जो भी पूछा जाता है उसको पूरा बताना पड़ता है। ये नो में उत्तर देना इनका संभव नहीं होता है। जैसे ये डब्ल्यू एच वर्ड से हुआ, ये हाउस से हुआ, तो ये जो है दो प्रकार के प्रश्न। उसके बाद तीसरा हमारा जो है सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य जिसको कहा जाता है। ये सेंटेंस क्या करता है, सेंटेंस विच शोज एन ऑर्डर, वो सेंटेंस जो हमें बताता है, क्या बताता है, क्या दिखाता है, या तो आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कमांड, आदेश, या फिर एडवाइस भी हो सकती है। तो ये सभी जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण दिए, सिट डाउन आदेश है, ड्रिंक सम वाटर आदेश है, प्लीज हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट है,
ओबे योर पेरेंट्स एडवाइस है, इस प्रकार के सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विच में आदि बोधक सेंटेंस, और इसका डेफिनेशन होता है ए सेंटेंस सेज ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सरप्राइज, वो वाक्य जो सरप्राइज व्यक्त करता है, आश्चर्य व्यक्त करता है, सेंटेंस टू व्यक्त ग्रीफ यानी दुख व्यक्त करता है, काइंडनेस दयालुता बताता है, हेट घृणा बताता है, हैप्पीनेस खुशी बताता है, इन सभी को बताने वाला सेंटेंस जो होता है वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उदाहरण के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य है हो रहा है, व्हाट अ स्मेल, कितनी घृणा की बात है, घृणा व्यक्त हो रही है, इससे भी सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद लास्ट अपना जो है ऑपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच एक्सप्रेस विच कर्स ब्लेस इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस, जिससे हमें किसी इच्छा का, कामना का, अभिशाप का, आशीर्वाद का मालूम होता है वो सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। मैं लिव लॉन्ग, चिरायु हो, दीर्घायु हो, शुभकामना है, मैं यू गो टू हेल, नरक में जाओ, पहाड़ में जाओ, ये जो है वो अभिशाप है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है वो ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें जिससे कि आपको उनको लिख सके। तो अब जो है आज हमने सेंटेंस का परिचय किया, कुछ मुख्य सेंटेंस जो आपके रेगुलर जो है वो आप करते आ रहे हो तो उनके बारे में आपने जो है वो जाना, कौन सा सेंटेंस कैसा होता है, किसके कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से आपके पांच सेंटेंस है आपको ध्यान रखना है, मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से प्रत्येक प्रकार का पांच लिखा है, पांचों की मैंने परिभाषा भी लिखवाई है, इंग्लिश में परिभाषा भी लिखवाई है, तो आप परिभाषा भी आपको लिखनी है, उसके बाद उसके उदाहरण भी लिखने हैं और समझने का प्रयास करना है। बिल्कुल आसान है, इससे आप परिचित हो जाओगे कि सेंटेंस किसको कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस कहलाता है। तो इनको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में करें और इसके बाद आगे जो हम टॉपिक लेंगे इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं, यही एक्सरसाइज है आपके ग्रामर में, अलग से कोई एक्सरसाइज करने की नहीं होती, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोर्ड पर करवाया है उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लिखना है। इसके बाद अपना दूसरे भाग की ओर हम बढ़ेंगे, वो है आपको परिचय करवाना SVOCA स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे हम। जो पैटर्न जो है वो आपका SVOCA, ये SVOCA क्या है इसको हम जानेंगे, SVOCA और किस प्रकार का पैटर्न है, किस सेंटेंस में, किस प्रकार के सेंटेंस में ये जो है वो काम आता है, इसके कुछ उदाहरण की पहचान और कुछ सेंटेंस मैं चाहूँगा कि आपको मैं जंबल्ड करके दूंगा तो आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा पैटर्न के अनुसार, SVOCA के अनुसार आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। पहले मैं SVOCA का अर्थ क्या होता है और किसको कहाँ रखा जाता है सेंटेंस में ये समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी पहचान करके जो जंबल्ड जो वर्ड्स होंगे उनको आपको जमाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है ग्रामर का ये चीज़ जो है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो है आपके आगे भी चलने वाली है, चाहे वो आगे क्लासें हों, चाहे कंपटीशन एग्जाम हों, किसी में भी हो, तो ये चीज़ें काम आने वाली है। तो बढ़िया तरीके से गंभीरता से इन चीज़ों को जो है वो करें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और कहीं किसी भी सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम वगैरह आती है तो मुझे व्हाट्सएप करें और बताएं कि कहाँ कौन सा शब्द क्या कैसे समझ में आया नहीं आया, तो वो मुझे बताएं जिससे कि मुझे भी मालूम हो, या फिर कॉपी जो है वो आप भेजते हो काम करके होमवर्क वगैरह तो वो नियमित भेजें जिससे कि मैं उसको देख करके आपको बता सकूं कि आपने कहाँ गलती की है, किसका आपको क्या समझ में नहीं आया, वो हमें भी मालूम हो सके, हम आपको बता सकें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें।
और इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। कल नेक्स्ट जो है वो SVOC है, ग्रामर का ही टॉपिक जो है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।